एक बार एक पिता जिनकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी और उनका एक 8 साल का बेटा था, उन्होंने दूसरी शादी कर ली और शादी करे 1 महीना हुआ था। 1 महीने बाद उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा तुम्हें नई माँ कैसी लगती है, पुरानी माँ अच्छी थी कि नई माँ अच्छी थी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम अभिनंदन, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा। के यहाँ से जेठ का महीना शुरू हो चुका है, तो जेठ के महीने में पानी का दान सबसे महत्वपूर्ण दान होता है। बेटा बोला, मेरी जो पुरानी माँ थी, मेरी जो अपनी माँ थी, वो झूठी थी और मैं उसे पसंद नहीं करता। ये जो माँ है ये सच्ची है और इसे बहुत पसंद करता हूँ। पिता को बड़ी परेशानी हुई कि जिस माँ ने तुझे जन्म दिया, जो तेरी अपनी माँ है, वो तुझे झूठी लगती है, और जो तेरी असली माँ है, जो तेरी नकली माँ है, वो तुझे अच्छी लगती है। पिता ने पूछा, ऐसा क्यों? तो बोला, मेरी जो माँ थी असली, वो झूठ बोलती थी। वो मुझसे बोलती थी कि ये माँ जो है ये सच्ची है। वो बोलती थी, कैसे? तो बोला, वो मुझसे बोलती थी, खेलेगा, बदमाशी करेगा तो खाना नहीं दूंगी। मुझे ढूंढ डांट के लाती थी और फिर भी ज़बरदस्ती खाना खिला देती थी। ये जो माँ है ये सच्ची है। ये भी ऐसी बोलती है कि अगर शरारत करेगा तो खाना नहीं दूंगी, लेकिन ये सच्ची है, इसने मुझे 2 दिन से खाना नहीं दिया। पिता ने ये बात सुनी और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बोला कि बेटा माफ़ कर देना मुझे। और उसके बाद से पिता अपने बच्चे का ध्यान रखने लगे। अगर आपका बच्चा भी किसी रीज़न से स्कूल नहीं जा रहा, या चुप चुप और मायूस है, या खामोश है, तो जानने की कोशिश कीजिए कहीं ऐसी कोई बात तो नहीं जो वो आपको बता नहीं पा रहा। कमेंट्स में जय माता दी। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।